हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2021 फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट एडिशन वेरिएंट। और जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 36.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 43 लाख। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट एडिशन केवल एक ही कलर में यहाँ पे अवेलेबल है, एब्सोल्यूट ब्लैक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए बात करते हैं इसके डिजाइन और डायनेमिक्स की। हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है और प्रोवाइड किया गया है LED डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है। HID हेडलैम्प यूनिट बाय LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। जस्ट उसके नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का फॉग लैम्प यूनिट। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अलावा ऑक्टागोनल रेक्टेंगुलर शेप में फ्रंट ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में आपको फोर्ड का लोगो, नंबर प्लेट की जगह नीचे स्किड प्लेट भी आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। काफी अमेजिंग डिजाइन, रोबस्ट फील होता है इसका फ्रंट डिजाइन, काफी रगड फील होता है। जहां तक कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मुकाबला है टोयोटा की मोस्ट पॉपुलर SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर से। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में अवेलेबल कराया गया है 18 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील, कुछ इस तरह का डिजाइन, ऑल टेरेन व्हील अवेलेबल कराया गया है। व्हील साइज है 265/60R18 और इसके फेंडर पे आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे एंडेवर की वेजिंग, कुछ इस तरह का डिजाइन। और ORBM की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर में ही पियानो ब्लैक फिनिश LED टोन इंडिकेटर के साथ यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके बी पिलर, सी पिलर और डी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फुट रेस्ट अवेलेबल कराया गया है। साइड में आपको स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जहां तक ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इंडिपेंडेंट कोयल स्प्रिंग विद एंटी रोल बार एंड रियर में कोयल स्प्रिंग विद एंटी रोल बार प्रोवाइड किया गया है। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ 4903 mm, विड्थ 1869 mm, हाइट 1837 mm, व्हील बेस 2850 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm, फ्यूल टैंक 80 लीटर, बूट स्पेस 450 लीटर प्रोवाइड किया गया है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमेजिंग डिजाइन में रूफ रेल, पियानो ब्लैक फिनिश में और एंटीना आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसके रियर प्रोफाइल में आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, टेलगेट के बीचों बीच फोर्ड का लोगो और बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में सी शेप्ड LED टेल लैम्प यूनिट, कुछ इस तरह डिजाइन दिया गया है। और एंडेवर की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और टेल गेट के राइट साइड ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग और लेफ्ट साइड आपको स्पोर्ट की बैजिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। नीचे स्किड प्लेट दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे आपको बोथ साइड कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर, कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे। और इसके इंटीरियर में आपको प्रोवाइड किया गया है ब्लैक एंड बीज कलर कॉम्बिनेशन और डोर ग्रैब हैंडल पे आपको दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश और लेदर इंसर्ट्स दिए गए, जो कि इसके प्रीमियमनेस को और बढ़ा देते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जस्ट इसके ऊपर आपको दिया गया है ट्विटर। ORBM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है। नीचे स्पीकर, 1 लीटर का वाटर होल्डर, थोड़ी सी जगह यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। और इसके इंटीरियर कुछ इस तरह रहने वाला है। डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी प्रीमियम, लेदर इंसर्ट्स, पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे दिया गया है आपको बीज कलर कॉम्बिनेशन, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ इस तरह ओपन कर सकते हैं, नीचे स्टोरेजेस आपको देखने को मिलता है, चेकआउट कर लीजिएगा।
और इसके अलावा जस्ट उसके आगे आपको 2 कप होल्डर दिया गया है। और इसका की आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका की कुछ इस तरह का लॉक अनलॉक यहाँ पे दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम इसका की यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे 10-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। और जस्ट उसके राइट साइड आपको दिया गया है मल्टी टेरेन मोड। जी हाँ दोस्तों, एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रफ मोड, वेट मोड, मल्टी मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है और USB पोर्ट और यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको प्रोवाइड किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको स्पीडोमीटर और दोनों ओर आपको दिया गया है MID, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसमें आपको टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। लेदर रैप्ड पियानो ब्लैक फिनिश में। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह का रहने वाला है, चेकआउट कर लीजिएगा। जस्ट सफिशेंट जगह आपको यहाँ पे मिलने वाली है और जस्ट ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश और रेक्टेंगुलर शेप आपको एसी वेंट दिया गया है और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट फंक्शन के साथ और सेंटर में कैबिन लाइट, सनग्लास होल्डर और पेनोरमिक सनरूफ के कंट्रोल, IRBM आपको डे नाइट मिलते हैं और ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो लाइट फंक्शन के साथ। कुछ इस एंगल से भी चेकआउट कर सकते हैं इसका इंटीरियर। पेनोरमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी रूमी, एयरी एंड कंफर्टेबल और प्रीमियम बना देते हैं, जो कि आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। चलिए चेकआउट कर लेते हैं इसके मिडिल रो को, ओपन कर लेते हैं इसके डोर को। और इसमें भी आपको फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूअल कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीज कलर दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश, ग्रैब हैंडल पे पावर विंडो के कंट्रोल, लेदर इंसर्ट्स दिए गए हैं और इसके यहाँ पे लॉक अनलॉक, 1 लीटर का बोटो होल्डर, स्पीकर एंड ट्विटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसका इंटीरियर। सभी सीट्स पे आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर बैठ के दिखा देता हूँ आपको इसका लेग रूम और हेड रूम। और इसमें आपको पेनोरमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है, रियर सीट्स भी आप देख सकते हैं और इसमें लेग रूम काफ़ी अच्छी खासी, हेड रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलता है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो नीचे आप फुट से स्वाइप अप करके इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो रियर सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे इंक्रीज कर सकते हैं इसके बूट स्पेस को। और इसकी जो मिडिल रो वाली सीट है उसको 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इसके बूट स्पेस को। काफ़ी सारा आपका लगेज इसमें आ सकता है। और इसमें राइट साइड बूट लैंप प्रोवाइड किया गया है, नाइट के समय में आपको काफ़ी मदद मिलती है इसमें लगेज लोडिंग अनलोडिंग में। और इसमें स्पीकर दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर, रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट और कप होल्डर दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें आपको स्टोरेजेस, जैक वगैरह रखने की जगह और इसका जो स्पेयर व्हील है जस्ट इसके अंडरनीथ आपको देखने को मिलता है स्टील व्हील में। जी हाँ दोस्तों, और टेल गेट पे इनर साइड आपको दिया गया है इसका ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके आप क्लोज कर सकते हैं। जहाँ तक इंजन की बात करें तो आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर इको ब्लू डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 168 BHP की पावर 3500 RPM पे एंड 420 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पे। वहीं ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मिलते हैं आपको इसमें 10-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसमें आपको मिलते हैं 4-wheel drive। माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 13.9 km की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है 7 एयरबैग, ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, मल्टी ड्राइव मोड्स, फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज,
ऑटो डिमिंग, IRVM, रेन सेंसिंग, वाइपर, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटोडोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटोडोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू 2021 फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट एडिशन की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।